माननीय राम कुमार कश्यप। धन्यवाद सर। सर, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दूसरा अमेंडमेंट बिल 2018 एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल में जो है 8वीं क्लास तक फेल नहीं करने की नीति में संशोधन करने की बात कही गई है। जब इसमें संशोधन हो जाएगा तो बोर्ड के माध्यम से 5वीं और 8वीं की परीक्षा ली जाएंगी, 5वीं और 8वीं की परीक्षा ली जाएंगी। टिल द डिबेट इज ओवर आई प्रपोज टू एक्सटेंड द टाइम टिल द डिबेट। मुझे लगता है ये आम टिल द बिल इज पास्ट आम सहमति बनेगी और हम सदन की राय है और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चल प्लीज खत्म करें सर। इस बिल के आने से बोर्ड के माध्यम से सर डिसाइड करे करना कि आगे जाना कि नहीं जाना। प्लीज सर, इस बिल के आने से बोर्ड के माध्यम से 5वीं और 8वीं की जो है परीक्षा ली जाएंगी। परीक्षा में जब जो बच्चा फेल हो जाएगा उसको फिर दोबारा 2 महीने का टाइम देकर के उसको जो है परीक्षा ली जाएगी। अब पुनः वो फेल हो जाता है उसको स्कूल से नहीं निकाला जाएगा परंतु उसको वापस उसी क्लास में रखा जाएगा। मैं समझता हूँ इसके बिल के आने से शिक्षा के सुधार शिक्षा के स्तर में बहुत। प्लीज वी हैव टेकन द सेंस ऑफ हाउस, वी विल डिस्कस एंड फिनिश दिस बिल, वी विल डिस्कस सर। ओनली सर, यू आर सच अ सीनियर मेंबर, वी हैव डिसाइडेड टू कॉल बाय।